मुकेश अंबानी जिन्होंने जियो को इंट्रोड्यूस करके पूरे भारत में इंटरनेट को सस्ता किया, वहीं इनकी तरह दुबई पर राज करने वाले शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम जिन्होंने दुबई का पूरा नक्शा ही बदल डाला। इन दोनों शख्सियत के बारे में सभी को मालूम है और लोग इस बारे में चर्चा करते हैं कि इन दोनों में से किसकी जेबों में ज्यादा पैसा है। पैसा तो वैसे ही काफी है, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन किस पे सबसे ज्यादा भारी है। हम यहाँ पे पैसों की बात कर रहे हैं, आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पहलवानी नहीं बल्कि पैसों की बात हो रही है। अपनी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है, और अगर आप भी इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इन दोनों शख्स के पैसों पर, यानी कि किसके बैंक में कितना पैसा दबा हुआ है। पहले हम एक नजर मुकेश अंबानी की तिजोरी पर डाल लेते हैं। अब आपको ये तो पता होगा ना कि मुकेश अंबानी सिर्फ भारत में ही सबसे ज्यादा अमीर नहीं है, बल्कि दुनिया के अमीर लोगों में इनका नाम आता है। सोर्सेज की माने तो अंबानी एक दिन में 168 करोड़ रुपए कमाते हैं। वहीं अगर फोर्ब्स मैगजीन की माने तो मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ 80.9 बिलियन डॉलर तक की है। अब इतने सारे पैसे तो अंबानी जिस हिसाब से खर्च करते हैं इसके बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। वहीं अगर बात करें दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम की, तो ये एक साल में 2,00,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमाते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि मुकेश अंबानी पैसे के मामले में तो भाई दुबई के शेख से आगे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। दरअसल मोहम्मद बिन राशिद की टोटल संपत्ति के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे राज रखा हुआ है। उनके पास कितना पैसा है इसकी जानकारी तो सिर्फ उन्हें और उनकी फाइनेंस टीम के पास ही होगी। अब यहाँ ये तो बात हो गई पैसों की, चलिए अब जान लेते हैं ये दोनों शख्स के पास पैसे का सोर्स क्या है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम। आपने भारत में जगह जगह पर रिलायंस के पेट्रोल पंप देखे होंगे। इन पेट्रोल पंप से अंबानी इतना पैसा कमाते हैं कि उनकी आने वाली पुश्तें भी आराम से बिना कुछ करे ही अपना जीवन यापन कर सकती हैं। अनुमान लगाया जाए तो अंबानी इन पेट्रोल पंप से 64,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। लेकिन उनके इनकम का सोर्स ये पेट्रोल पंप ही नहीं है, बल्कि उनके द्वारा चालू करी गई जियो कंपनी का भी इसमें काफी ज्यादा योगदान है। अब बताया जाता है कि अंबानी जियो की मदद से 3,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब अगर हम बात करें दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद के सोर्स ऑफ इनकम की, तो इनकी सबसे ज्यादा कमाई दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा से होती है। बुर्ज खलीफा की मदद से इन्हें 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा होता है। लेकिन इनके नाम दो और कंपनियां हैं जिनका नाम दुबई होल्डिंग और दुबई वर्ल्ड है। इन दोनों कंपनियों की मदद से शेख मोहम्मद बिन राशिद सालाना माना माल होते हैं और दबा के पैसे कमाते हैं। दुबई में जितनी भी कंपनियां हैं उन सबको इन दोनों कंपनियों की मदद से ऑपरेट किया जाता है। अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन सभी कंपनियों की सालाना इनकम 47 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। अब सिक्योरिटी के मामले में अगर देखा जाए तो अंबानी 24 घंटे Z+ सिक्योरिटी से घिरे हुए रहते हैं, और एक रिपोर्ट की माने तो अंबानी हर महीने 15-16 लाख रुपए तो अपनी सिक्योरिटी में ही खर्च करते हैं। लेकिन दुबई के मोहम्मद बिन राशिद की दुनिया काफी अलग है। इन्होंने दुबई को इस तरह से क्राइम से मुक्त करा दिया है कि ये जब चाहे कहीं पे भी जा सकते हैं, गाड़ी में घूम सकते हैं। इन सबके पीछे दुबई में लगे ये 3,00,000 से भी ज्यादा CCTV कैमरे हैं, जिसे हर वक्त मॉनिटर किया जाता है। अब एक नजर इन दोनों के कार कलेक्शन पर भी चलिए डाल ही लेते हैं। मुकेश अंबानी के पास में 168 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स का कलेक्शन है, और इसके अलावा मुकेश अंबानी के पास कई प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं। यहाँ तक कि उनके पास कई यार्ड भी हैं। वहीं दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद के पास में 100 से भी ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें से आधी से ज्यादा तो सोने से बनी हुई है, और इन्होंने अपनी कई गाड़ियों को हीरों से सजाया हुआ है। गाड़ियों के साथ साथ ये उनके नंबर प्लेट पर भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद की गाड़ियों का खर्चा ही 300 करोड़ से ज्यादा का बताया जाता है। वहीं अगर बात करें इनके यार्ड की, तो इनके पास कई सारी लग्जूरियस यार्ड मौजूद हैं। इनके शौक सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान से भी जुड़े हुए हैं। इनके पास दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट जेट है, जिसकी कीमत 3,625 करोड़ रुपए है, और इस हवाई जहाज को फ्लाइंग पैलेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये हवाई जहाज अपने नाम की तरह ही एक आलिशान पैलेस की तरह ही दिखाई देता है। अब चलिए एक नजर डाल लेते हैं इन दोनों के घरों पर। अंबानी के पास दुनिया का सबसे महंगा घर है, जिसका नाम है एंटीलिया, और ये मुंबई में मौजूद है, और इस घर की कीमत है करीबन 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए, और इस घर के अंदर आपको हर वो सुविधा मिल जाएगी जो एक शहर में होती है लगभग, जैसे कि जिम हो गया, थिएटर, स्नो एरिया, यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। वहीं अगर मोहम्मद बिन राशिद की बात करें तो इनके पास 7,000 करोड़ का पैलेस है, जिसमें वो अपनी 6 बीवियां और 23 बच्चों के साथ एक बड़े परिवार के साथ में रहते हैं। इनके पैलेस में एक प्राइवेट जू भी मौजूद है, क्योंकि इन्हें जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि मुकेश अंबानी और मोहम्मद बिन राशिद दोनों के पास में दबा के पैसा है, भरपूर पैसा है, और ये अपने पैसों को किस तरह से खर्च करते हैं ये तो आप देख ही सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट दिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।